मुझे ओ दिल मेरा खो गया। ए प्रभु जब से देखा तुझे दिल मेरा खो गया, ए डमरू बारे भोला मैं तेरा हो गया, ए डमरू बारे भोला मैं तेरा हो गया। नाच क्या तारीफ करूं तुम्हारी, तू है दाता और तेरा पुजारी हूं मैं, तेरे दरबार का एक भिखारी हूं मैं। तू है दाता और तेरा पुजारी हूं मैं, तेरे दरबार का एक भिखारी हूं मैं। बाबा मैं तेरा हो गया, ये डमरू वाले भोला मैं तेरा हो गया। धीमे धीमे वर्षें गुजर रही हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं 12 वर्ष गुजर गए। जब 12 वर्ष गुजरी भोलेनाथ ने मन में विचार किया दुष्ट नहीं निकलेगा, तब अपना त्रिशूल लयो और त्रिशूल लेकर के सीधे कैलाश पर्वत की तरफ चले गए। अब जिस मैया के उदर में 12 वर्ष से पड़े हैं, आकार बढ़ रहा है तो मैया को कष्ट हो रहा है। व्यास जी ने कहा बेटा तुम्हारी मैया को कष्ट हो रहा है, आप बाहर आ जाओ संसार में। उधर के अंदर से आवाज आ रही है पिताजी मैं बाहर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन भोलेनाथ का त्रिशूल तैयार खड़ा है, वो मेरा वध कर देगा। बोले चिंता ना करो बेटा, वे तो चले गए, भोलेनाथ तो चले गए। बोले पिताजी तब एक वरदान और चाहिए। क्या? कभी इस संसार में आऊं तो सांसारिक माया मेरे ऊपर असर न करे। ब्याज जी ने कहा जाओ दिया, उधर के अंदर से आवाज आ रही पिताजी तुम्हारे वरदान से काम नहीं चलेगा, तुम तो खुद ही माया में लिप्त हो तो तुम्हारा वरदान क्या काम करेगा। बोले तो त्रिलोकी नाथ की प्रार्थना करो, वो आए और वो हमें वचन दे कि उनकी माया मेरे ऊपर असर नहीं करेगी तो मैं संसार में आने के लिए तैयार हूं। आज उसी वक्त विष्णु भगवान की आराधना की है। वसुदेव सुतम देव कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ए नाथ घटघटवासी
सभी का पालन पोषण करने वाले आज हम तुम्हारी शरण में हैं, आप आकर के दर्शन दो और हमारे बेटे का जो भाव है उसे पूरा करो।